हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब होने वाला है कि ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये है अपडेट्स के रिगार्डिंग ड्रोन रेगुलेशन, जो काफ़ी वेट किया जाता है इस वीडियो का कि व्हाट इज़ द अपडेट। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं पूरी अपडेट्स लेके आया हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में आज आपको पता लगेगी। तो प्लीज़ बने रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ड्रोन रेगुलेशंस की, क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या है आज का स्टेटस अप्रैल 2019 का। माई सेल्फ डॉक्टर अंशुम लोथरा, ड्रोन ट्रैक डॉक्टर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हियर वी गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रोन रेगुलेशंस, ड्रोन लीगलिटी, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन फोटोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर ए ड्रोन लवर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक रिकैप दे देता हूँ कि क्या हुआ था। दिसंबर 1 को ड्रोन लीगल हो गए थे इंडिया में लास्ट ईयर, जैसे आप सबको पता है। तो उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जिस पर आप सब लोग अपने ड्रोन्स को रजिस्टर करा पाएंगे। जिसने इम्पोर्ट कराने के लिए परमिशन ले पाएगा, सब क्लियरेंस वहीं पर मिलनी थी। तो वो पोर्टल भी शुरू हो गया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस पोर्टल को बीटा फॉर्म में रखा गया, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था। उस पर सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी, सिर्फ ड्रोन फ्लायर की रजिस्ट्रेशन हो रही थी, ड्रोन की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। तो क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस थे, जिसमें से खास थी NPNT कंपैटिबल ड्रोन्स। तो ये सब कुछ था, तो वो कंप्लीट होना था 1 अप्रैल 2019 तक, तो वो भी नहीं हो पाया। उसके भी कारण मैं बताने वाला हूँ क्यों नहीं हो पाया और क्या है स्टेटस उसका। दो कारण है इसके लिए। नंबर वन रीज़न वाई इट इज़ डिलेड, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के लिए कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले थे स्टार्टिंग में ही, जैसे ही लॉन्च हो गए लीगल हो गए ड्रोन्स की। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को होस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज चाहिए जो कि सही रेट पर उसको हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ये ऐसे हैंडल होने वाली चीज़ है नहीं। तो हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें टेक्निकल एरर आ गया, टेंडर्स भरे गए, वो कैंसिल कर दिए गए, फिर दोबारा भरे गए। तो प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अभी तक प्रॉपर कंपनीज ही, जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टेंडर भर रखे हैं, उनको अभी तक किसी को एक कंपनी को ठेका मिलना या टेंडर जैसे कहते हैं, तो वो चार्ज अभी किसी कंपनी को मिला नहीं है। तो वो जब चार्ज मिलेगा तो वो कंपनी उसको स्पीडली हैंडल करेगी, कंपनी से बात करेगी, साइट को कंप्लीट कराएगी, होस्ट करवाएगी। तो नंबर वन रीज़न ये है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऑपरेशनल ना होने का, कि जिन कंपनीज के लिए मतलब रीटेंडरिंग शुरू हो गई, पहले टेंडर किया गया, कंपनीज ने अप्लाई किया, फिर वो कैंसिल हो गया, तो इस चीज़ में डिले हो गया। तो उसी प्रोसेस में अभी भी लगी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की, अच्छे से कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब कुछ उनकी बातें समझकर इस प्लेटफॉर्म को, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को आगे चलाए। तो नंबर वन रीज़न ऑफ डिले यही था कि होस्ट करने के लिए प्राइवेट फर्म ही नहीं हो पाई, मतलब फाइनली डिसीजन नहीं ले पाई DGCA, जो कि अभी चल रहा है प्रोसेस। तो जैसे ही वो कंपनी फाइनलाइज हो जाएगी, वो उसको हैंडल करेगी और फिर ये प्रोसेस आगे चालू होगी। तो ये था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के लेट होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि डाटा, जैसे मैंने आपको बताया था अपडेट्स में कि पूरे इंडिया की एयर स्पेस को रेड, येलो और ग्रीन में डिवाइड किया जाएगा, ताकि ड्रोन फ्लाइंग को रेगुलेट किया जाए। रेड ड्रोन थे जो काफ़ी सेंसिटिव एरियाज थे, जहाँ पर बिल्कुल परमिशन आप आम आदमी को नहीं मिलेगी। येलो जोन्स में परमिशन लेकर आप ड्रोन उड़ा पाएंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि परमिशन के बाद आप उड़ा पाएँ। और जो ग्रीन जोन थी, उस पर आप बिंदास ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, पूरी स्टेट्स की मांगी गई थी DGCA ने इस साइट में डालने के लिए। तो 70% इन्फॉर्मेशन ही आ पाई है, 30% अभी भी स्टेट्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन DGCA तक नहीं पहुंचाई है। तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी, तो वो प्लेटफॉर्म, वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का मैप कैसे तैयार होगा, और ये फिर सारी प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये दो मेन कारण थे कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लेट क्यों हो रहा है, इसी वजह से लेट हो रहा है, कोऑपरेशन की कमी है। तो ये बात हो गई डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की। अब बात करते हैं कि कंपनीज़ का क्या स्टेटस है। अब तक मैं आपको बता दूं, सिर्फ चार कंपनीज हैं जिन्होंने कंफर्म्ड कर दिया है कि यस, वी विल मैन्युफैक्चर NPNT ड्रोन्स। वो एग्री कर गए हैं कि हम अपने ड्रोन्स में वो अपडेट डालेंगे जो आपने सेट किया है कि NPNT कंपैटिबल हों। उन कंपनीज में आपको नाम बता देता हूं, उनमें से पहली कंपनी है आइडिया फॉर्ज, ये ड्रोन्स बनाने वाली कंपनीज है, इनके आपको नाम कहीं नहीं मिलेंगे, मैं ही बता रहा हूं। और दूसरी कंपनी है आरव यूए सिस्टम, अनमैन्ड सिस्टम्स। तीसरी है स्काईलार्क और चौथी है एस्ट्रिया एरोस्पेस। ये चार कंपनीज हैं जो कि मल्टीनेशनल या कोलैबोरेशन बाहर के साथ जैसे भी हैं, ये चार नेम्स हैं
जिन्होंने DGCA के साथ साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, और ये सबसे पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की साइट पर मेंशन होंगी नंबर में कि दीज आर एनपी एंटी नॉन नो परमिशन नो टेक ऑफ कंपैटिबल ड्रोन्स ये बनाएंगी। तो इन ड्रोन्स इन कंपनीज के ड्रोन्स लेने पे आपको UN नंबर यू मिल जाएगा। तो ये चार कंपनीज कन्फर्म्ड हो गई हैं। अब बात आती है सबसे बड़े प्लेयर की DJI की। DJI से इंडियन गवर्नमेंट और DGCA ने बात की थी, प्रपोजल मांगा था। तो आपको लेटेस्ट अपडेट ये दे रहा हूँ कि अभी तक DGI की तरफ से कोई इनिशिएटिव NPNT को लेके अभी फ़िलहाल पूरी तरह से कन्फर्म्ड जैसे रिटर्न में जो होता है ना प्रॉपर, जिसको हम कहेंगे रेगुलेशन, यस DGCA ने लिख दिया है, वो नहीं आया है, उसकी वेट हो रही है। बट मायूस होने की बात नहीं है, प्रोसेस चालू है। DGI खुद चाहती है कि वो इंडियन मार्केट में आए, क्योंकि इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो डोंट वरी, डैट विल कम, और आप बने रहे चले गए, मैं आपको बताऊंगा कब वो प्रॉपरली इनसे साथ इंटीग्रेट हो गई है। इन चीज़ों में कंपनीज क्यों नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए बेसिकली मेन कारण जो है, जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स मतलब जो स्टाफ है DGCA का, जो बनाया गया है, जिसको चार्ज दिया गया है कि आपने ये सब कुछ देखना है, वो कन्फ्यूज है एट प्रेजेंट। दैट इज़ कन्फ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस और सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की इन रूल्स में दे दी गई हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो आप भी कहेंगे ये तो पूरी रामायण लिख दी है। काफ़ी लोग कहते हैं इससे आसान तो बंदूक खरीदना है, जैसा रेगुलेशंस बना दी गई हैं। तो उन वजह से जो इनके एक्चुअल रेगुलेटर जिन्होंने ये पास करनी है चीज़ें कि यस ये ड्रोन NPNT कंपैटिबल है, ये टेस्ट, उनके पास टेस्ट प्रॉपर नंबर ऑफ टेस्ट ही नहीं है अभी तक। OEC में मतलब घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं, प्रॉपर लैब्स नहीं है जहाँ पर ड्रोन जो नया है उनको टेस्ट किया जा सके कि यस हम इसको रिकमेंड करते हैं कि हमारे रेगुलेशंस के हिसाब से है या नहीं। तो ये दो तीन कारण हैं, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट जो रेगुलेटर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको रखा गया है कि आपने आगे बढ़ाना है प्रोसेस, वही कन्फ्यूज हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस कर दी गई हैं। इसका एक कमेटी ने सोल्यूशन भी निकाला था, वो सोल्यूशन ये था प्रोविजनल सर्टिफिकेशन। प्रोविजनल सर्टिफिकेशन वो चाहते हैं कि आप फिलहाल के लिए आप खुद कन्फ्यूज हैं, आपके पास लैब नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो कन्फर्म सर्टिफिकेशन देने के बजाय प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दे दें ताकि हम ये प्रोसेस तो आगे चलाएं, ये ड्रोन इंडस्ट्री तो आगे बढ़ाएं, नहीं तो रेगुलेशन में फंसे पड़े हैं और इतना डिले हो रहा है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात चल रही है, शायद कुछ लोगों को मतलब कुछ कंपनीज प्रोविजनल सर्टिफिकेशन के बाद उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और उनसे हम ड्रोन लीगली ले पाएं। और जहाँ तक DJI की बात है तो DJI भी चाहती है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट शायद उनको मिल जाए। तो बने रहिए, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। प्रोसेस में लगी हुई है गवर्नमेंट, तो कुछ ये इश्यूज थे जो कि वो सॉल्व करने में लगी हुई है। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और जितने भी ड्रोन लवर्स हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन ड्रोन रेगुलेशंस। और सबसे पहले मैं इन सब ये जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाया मैंने अपनी तरफ से, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर मिस्टर शुभम घोष। यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शुभम घोष फॉर गिविंग मी सच एन इंफॉर्मेटिव लिंक फॉर द आर्टिकल। तो वो वहाँ से मैं खुद भी सर्च करते रहता हूँ, तो मैं सब्सक्राइबर्स को भी चाहता हूँ, जैसे शुभम घोष ने मुझे ढूंढ के वो, क्योंकि जितने भी हमारे चैनल पे हैं वो सब ड्रोन लवर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ जिसको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो चाहता है कि हम एक कम्युनिटी हैं, ड्रोन कम्युनिटी हैं, जो कि एक दूसरे को अपडेट करते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक को अपडेट कर सकूँ। फिर भी आपके पास भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं आप ऐसे वीडियो बनाकर सब तक पहुंचा पाऊंगा। तो थैंक यू मिस्टर शुभम घोष फॉर सच वंडरफुल जेस्चर, जिसकी वजह से मैंने आपका आर्टिकल देखा और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, उससे लिंक मैंने और आर्टिकल सर्च किए तो ये पूरे निचोड़ मेरे पास आ गया और जो मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंड बार वो जो फ्रॉड्स की आ रही थी, काफ़ी लोगों ने फ्रॉड्स झेल रहे हैं और काफ़ी बच गए हैं, तो प्लीज़ बी वेयर। और जितना भी लोगों का फ्रॉड हुआ है तो उस वीडियो पे जाके कमेंट करें और लोगों को विजिलेंट बनाएं, से पता लग रहा है कितना फ्रॉड बढ़ रहा है OLX पे ड्रोन्स को लेके। तो बी सेफ। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, कीप रॉकिंग, थैंक यू।